हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द वाटरमैन, जो कि एक बेहतरीन फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें पाइन मिल्स नाम के शहर के बारे में लोगों ने एक आदमी को देखा गया था उसके बारे में बताया जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा और बुढ़ा होता है और उसे वाटरमैन कहा जाता है। और फिर फिल्म की शुरुआत होती है जिसमें एक गनर नाम का लड़का एक कब्रिस्तान के रास्ते से जाता है और वहीं पर वो एक आदमी की अंतिम क्रिया देखता है और फिर घर पर आकर वो अंतिम क्रिया के हिसाब से अपने ग्राफिक कॉमिक में काम करता है, जिसमें वो खुद ही डिटेक्टिव होता है और वो खुद के मर्डर की तहकीकात कर रहा होता है और इसी वजह से वो कब्रिस्तान में अंतिम क्रिया देखने गया था। और फिर उसकी माँ मैरी उसे बुलाने आती है, तब वो छुप जाता है और कुछ देर के बाद दोनों खेलते हुए नजर आते हैं और वो लोग पाइन मिल्स में नए नए रहने आए होते हैं। और फिर गनर के पिता एमोस वहाँ पर आते हैं, जिसमें वो पहले आर्मी में हुआ करते थे, और खाते वक्त गनर शेरलॉक होम्स की किताबें पढ़ रहा था जिससे वो अपनी कहानी को और भी बेहतर बना सकें। और वहाँ एमोस और मैरी अपने नए घर के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर गनर उस दिन बुक स्टोर से कब्रिस्तान गया था ये चीज़ बताता है। तब उसके पिताजी भड़क जाते हैं क्योंकि गनर कब्रिस्तान रिसर्च करने के लिए जाता है, ये चीज़ उन्हें बकवास लगती है और इसी वजह से मैरी और एमोस में झगड़ा भी हो जाता है। और फिर मैरी आकर गनर से मिलती है, जिसमें उसके पिताजी शहर बदलने के चलते प्रॉब्लम्स हो रही है ये चीज़ गनर को बताती है, और मैरी बीमार भी होती है और अब वो लोग इसी वजह से खुशी से रह गए ये बोलकर वो गनर को सुला देती है। दूसरे दिन सुबह गनर के पिताजी उसे उठाते हैं, साथ ही वो उसे कॉमिक की जगह पर खेलने कहते हैं और वहीं पर गनर की डिजाइन खराब हो जाती है जिससे वो नाराज हो जाते हैं। और उसी दिन दोपहर को मैरी की तबीयत खराब होती है जिसमें गनर परेशान होता है और वहीं पर वो अपनी माँ की दवाई देखता है जिससे उससे पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। और फिर वो गनर घर से निकलता है और बुक स्टोर जाता है, जिसमें वहाँ बुक स्टोर के मालिक भाविका उसकी फ्रेंड बन चुकी होती है और वो वहाँ गनर की सारी शर्लॉक की बुक्स रिटर्न लेती है और वहाँ वो भाविका से कैंसर की स्टडी की सारी बुक्स लाकर स्टडी करता है। और वहीं पर उसकी माँ की तबीयत और भी खराब दिखती है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। दूसरे दिन गनर घर आ रहा होता है, तब उसे एक जगह पर वाटरमैन लिखा दिखता है और वो वहाँ पर अंदर जाता है, जिसमें एक लड़की बाकी बच्चों को वाटरमैन के बारे में बताती है, जिसमें उसका सामना वाटरमैन से हुआ होता है जिससे वो थोड़ी सी घायल भी हुई होती है। और फिर वो वाटरमैन के बारे में बताती है और उस लड़की का नाम जो होता है और वो वाटरमैन के बारे में सब चीज़ें जानती है ये बताकर दूसरे बच्चों से पैसे लेती है। और बाहर से गनर ये सब देख रहा होता है और फिर घर पर आकर गनर अपने परिवार के साथ खाते वक्त बुक पढ़ रहा होता है, जिसमें उसे इमोर्टालिटी यानी कि अमरता के ऊपर एक पेपर मिलता है जिसमें वहाँ वाटरमैन के बारे में लिखा होता है और इस चीज से गनर को जो की याद आ जाती है। और फिर गनर बुक के राइटर का नाम देखता है जो कि अल्फ्रेड होता है। दूसरे दिन गनर अल्फ्रेड के घर चला जाता है और उससे वाटरमैन के बारे में पूछता है, जिसमें गनर को उसके बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता होती है। और तब अल्फ्रेड उसे अंदर ले लेता है और वो गनर को अपना घर दिखाता है और फिर वो गनर को एक जगह पर बैठने कहता है और वहीं पर वो वाटरमैन के बारे में बताता है, जिसमें अल्फ्रेड गनर को एक फोटो दिखाता है जिसमें एक आदमी कई सालों पहले खाई में काम किया करता था और एक दिन उससे एक पत्थर मिलता है जिसे वो अपने पास ही रख लेता है। और फिर उस जगह पर डैम टूटने के चलते पूरे शहर में पानी फैलने लगता है जिसमें उसकी पत्नी और वो मर गए थे, ये चीज़ अल्फ्रेड के पिताजी ने देखी थी। और फिर वो आदमी उठ जाता है और उसके पास वो पत्थर भी होता है और इसी वजह से उसे वाटरमैन कहा जाता है। कुछ दिनों के बाद वो अपने पत्नी का शरीर ढूंढने लगता है, जिसमें उसे लगता है कि वो अपनी पत्नी को जिंदा कर सकता है और ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ फेक लगती है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे मरे हुए जानवरों को जिंदा करते हुए भी देखा था। और आज भी वो नदी के किनारे एक घर में रहता है और अपनी पत्नी की तलाश कर रहा है, ऐसा लोगों का मानना होता है, जिसमें उसके पास के पत्थर से किसी को भी जिंदा किया जा सकता है ये अल्फ्रेड बताता है। और फिर वो एक मैप गनर को दिखाता है जिसमें वाटरमैन के पास जाने का रास्ता होता है और फिर गनर वो मैप मांग लेता है और रात को वो घर पर बैठकर मैप देखता है, जिसमें वो जगह जंगल से थोड़ी सी दूर होती है। और दूसरे दिन सुबह गनर अपना सामान भरता है और अपने पिता की तलवार लेकर वो घर से निकलता है और तब वो जो के कैंट के पास आता है और वहाँ पर जो भी उसे मिलती है तब वो उसे बताता है कि वाटरमैन के पास उसे जाना है, जिसमें जो उससे पैसे मांगती है, तब वो उसे पैसे देने तैयार हो जाता है। और वहीं पर जो उसे बताती है कि जंगल में काफ़ी ज़्यादा खतरा है तो उन लोगों को संभाल कर रहना होगा। और कुछ देर के बाद दोनों वहाँ से निकलने के लिए तैयार होते हैं और दोनों एक स्टोर में जाते हैं और जंगल में रहने के लिए सामान लेते हैं। और वहीं पर स्टोर के मालिक को गनर की तलवार पसंद आ जाती है और वो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है और बाद में वो पैसे लेता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं।
दूसरी तरफ घर में एमोस को उसकी तलवार नहीं दिखती, तब वो गनर के रूम में जाता है जिसमें उसे वहां पर एक लेटर मिलता है और वो उसकी माँ को बचाने के लिए एक जगह पर जा रहा है ये चीज बताकर वहां से निकल गया होता है। और फिर एमोस जाकर पुलिस स्टेशन में गनर के गायब होने की रिपोर्ट लिखाता है और पुलिस वालों को गनर के गायब होने का कारण नहीं समझता। दूसरी तरफ गनर जो के साथ जंगल में आगे बढ़ता है और वो काफी लंबा सफर तय करके आगे जाते हैं जिसमें जंगल में आगे की तरफ आग भी लगी होती है और रास्ते में एक नदी के पास बैठकर दोनों खाना खाते हैं और वहीं पर दोनों मजाक मस्ती भी करते हैं और उनमें काफी अच्छी दोस्ती होने लगती है। और दूसरी तरफ एमोस घर आता है और वहाँ उसे एक बुक में लाइब्रेरी का नाम दिखता है और फिर एमोस जाकर मैरी से मिलता है और गनर बाहर खेल रहा है ये बताता है, तब एमोस उसे बुलाने जा रहा है ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है जिसमें बाहर एमोस को दो लड़के मिलते हैं, तब वो गनर के बारे में पूछता है लेकिन उन्हें गनर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और दूसरी तरफ जंगल में रात को जो और गनर एक दूसरे के बारे में बताते हैं और वहीं पर गनर अपनी माँ को बचाने के लिए जा रहा है ये चीज बताता है लेकिन वहाँ पर जो अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बताती। और वहीं पर दोनों को जानवरों की आवाज आती है, तब जो सोने जाती है और गनर वहाँ तलवार से जानवरों से बचने के लिए तैयार होता है। और शहर में एमोस मैरी से गनर के लापता होने की बात छुपा रहा होता है लेकिन वो परेशानी ये चीज़ मैरी समझ जाती है। और जंगल में गनर वाटरमैन की तस्वीर बनाता है और वहीं पर उसे जानवरों की आवाज़ भी आती है, तब वो तलवार निकाल लेता है और आगे बढ़ता है और एक जगह पर गनर को एक पत्थर मिलता है जो कि वाटरमैन के पत्थर जैसा ही होता है। और दूसरी तरफ शहर में पुलिस वाले गनर के लापता होने की तहकीकात करते हैं और एमोस लाइब्रेरी में जाकर भाविका से मिलता है और गनर के गायब होने के बारे में बताता है, तब भाविका भी डर जाती है और फिर एमोस कुछ पता चलने पर बताने के लिए अपना नंबर देकर वहां से निकल जाता है। और जंगल में जो गनर के पैसे देखती है लेकिन वो लेती नहीं है और फिर वो गनर के साथ बात करती है और वहीं पर उन्हें जानवरों की आवाज़ आती है। कुछ देर के बाद वहां पर जंगली घोड़े उनकी ओर आते हैं जिसमें दोनों वहां से भागते हैं और एक जगह पर छुप जाते हैं जिससे वहां से घोड़े आगे निकल सके। और शहर में एमोस और ऑफिसर स्टोर में गनर की लापता होने की फोटो लगाने जाते हैं जिसमें फोटो देखकर शॉपकीपर समझ जाता है कि वो गनर है और वो गनर एक लड़की के साथ वहां से निकला है ये चीज बताता है। और दूसरी तरफ जंगल में गनर जो के फोन से रास्ता देखकर आगे बढ़ता है और वहीं पर बर्फ गिरती है और वो लोग काफी ज्यादा नजदीक है ऐसा गनर का मानना होता है और इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश भी होता है। और शहर में मैरी काफी ज्यादा तकलीफ में होती है और गनर को ढूंढ रही होती है और तब उसे भाविका का फोन आता है और वो उसे बता देती है कि गनर लापता हो गया है। और जंगल में जो और गनर एक गुफा पर शांति से बैठे थे जिसमें गनर के पिता उसे काफी सारी चीजें सिखाते ये वो बताता है। और रात को वो फिर से ड्राइंग करता है और खा रहा होता है जिसमें वो डिटेक्टिव की कहानी पर काम कर रहा था ये चीज वो जो को बताता है। और वहीं पर जो पर कीड़ा गिरता है और तब गनर हंसने लगता है और तब जो दूर जाकर सो जाती है। और घर पर एमोस आता है, तब मैरी बताती है कि उसे पता चल गया कि गनर लापता है और वो काफी ज्यादा परेशान होती है जिसमें एमोस से वो नाराज भी होती है और तब एमोस उसे कोई भी हाल में ढूंढ लेगा ये बताता है। और जंगल में जो और गनर सोए होते हैं और तब उन पर कीड़े गिरने लगते हैं और तब दोनों वहां से भागते हैं और वो लोग बिना बैग के वहां से आगे बढ़ जाते हैं। और सुबह दोनों एक जगह पर दिखते हैं जिसमें वहां पर जो काफी ज्यादा डरी हुई होती है और तब गनर उसे संभालता है और वो काफी जल्दी वाटरमैन के पास पहुंचे के ये बताता है। और शहर में एमोस और मैरी को ऑफिसर का फोन आता है और वो बताती है कि गनर के साथ लड़की है वो जो है और उसने जो के बारे में पता लगा लिया होता है। साथ ही जंगल में आग बढ़ रही होती है ये चीज भी वो बताती है जिसमें जो और गनर उस जंगल में हो गया ऐसा उसका मानना होता है। और जंगल की आग की न्यूज तब टीवी पर चलती है और तब एमोस जंगल में जाकर गनर को लाएगा ये मैरी को बताता है और वहां से निकलता है। और बाहर उसे अल्फ्रेड मिलता है और वो उसे एक मैप देता है और गनर वाटरमैन को ढूंढने गया ये चीज भी बताता है। और फिर अल्फ्रेड वहां पर जल्द से जल्द पहुंचने का रास्ता बताता है और एमोस अपनी कार लेकर निकलता है। रास्ते में जंगल के आग की चलते नाकाबंदी होती है और तब एमोस अपने बेटे को बचाने के लिए रूल्स तोड़कर काफी स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ाता है। और जंगल में गनर नदी किनारे पहुंचता है और वहीं पर नदी के दूसरी साइड उन्हें जाना होता है जिसमें गनर एक पेड़ से होकर आगे बढ़ता है और वहीं पर वो गिर पड़ता है, तब जो उसे बचाने आती है और फिर वो गनर के पास आकर उसे ऊपर लेकर बचा लेती है। और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और जंगल में मैप से एमोस फटाफट उस जगह पर पहुंचता है और एक झरने से वो आगे बढ़ता है। और जंगल में गनर जो से वाटरमैन के बारे में पूछता है तब वो बताने से मना कर देती है और वो वापस जाना चाहती है ये बताती है, जिसमें वो काफी ज्यादा डरी हुई भी होती है और वहीं पर वाटरमैन जैसा कुछ नहीं है ये वो बता देती है, जिसमें गनर काफी ज्यादा दुखी होता है और वो वाटरमैन से ही अपनी माँ को बचा सकता है ये बताता है। और वहीं पर जो गनर को उसकी माँ के साथ टाइम स्पेंड करने कहती है, तब गनर भड़क जाता है और जो को वापस जाने कहता है लेकिन जो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती है। और गनर अकेला ही आगे बढ़ता है जिसमें उसे एक जगह पर
काफी ज्यादा फॉग मिलता है और वो आगे जाता है और जो भी उसके पीछे ही होती है। और गनर को एक घर दिखता है, तब वो उसके अंदर चला जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। और वहीं पर किसी के आने की आवाज आने पर गनर छुप जाता है और फिर वो आदमी अंदर आता है और वो बताता है कि उसे पता है गनर वहां पर आया है। और तब गनर बाहर आता है, जिसमें वो आदमी वाटरमैन होता है। तब गनर उसे उसकी माँ के बारे में बताता है और उसे बचाने के लिए कहता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है ये बताता है। और तब वाटरमैन बताता है कि वो पहले मर गया था, लेकिन उस पत्थर के चलते वो फिर से जिंदा हो गया था और वो दूसरों को अमर कर सकता है। लेकिन अमर होना एक वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है, और ना मरने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घुट घुट कर जी रहा होता है। और वहीं पर गनर को जो की भी आवाज़ आती है, तब वाटरमैन उसे बताता है कि गनर को कभी भी अपने चाहने वाले को छोड़ना नहीं चाहिए, जिसमें अमर होने के पत्थर के लिए गनर को उसकी माँ को बचाने की उम्मीद मिली थी और इसी वजह से उसने उसकी माँ को भी छोड़ दिया था। और वहीं पर वाटरमैन ये भी बताता है कि उसे जो भी उम्मीद मिली थी उसी के चलते वो वहाँ पर पहुँचा है, जिसमें रास्ते में उसे वाटरमैन के पत्थर मिले थे, वो असल में अल्फ्रेड ने ही कई सालों पहले वहाँ पर लगाए थे। और वहीं पर हमें गनर की पेंटिंग नजर आती है, जिसमें उसने वाटरमैन की एक तस्वीर बनाई होती है। और इसी से पता चलता है कि वाटरमैन सिर्फ गनर की इमेजिनेशन में था और सभी चीजें वो अभी भी इमेजिन ही कर रहा है। और फिर गनर को भी ये चीज समझ आती है और असल में गनर बाहर अकेला खड़ा होता है और जंगल में जो आग में फंसी हुई होती है, और वहीं पर गनर आके उसे संभालता है। और तब जो बताती है कि उस पर वाटरमैन ने कभी हमला नहीं किया था, वो चोट उसे उसके पिताजी ने दी थी और वो उसे काफी ज्यादा दारू पीकर मारते हैं। और वहीं पर जंगल में आग भी बढ़ रही होती है और वहीं पर एमोस आकर गनर से मिलता है और फिर तीनों नदी के रास्ते से वहां से निकलने जाते हैं और पानी में तैरकर वो लोग जंगल से निकलते हैं। और शहर में मैरी एमोस और गनर का इंतजार करती है। तब दोनों वहां पर आते हैं और वहां गनर मैरी से मिलता है और माफी भी मांगता है और फिर तीनों गले मिलते हैं और एक काफी अच्छा फैमिली मोमेंट बन जाता है। दूसरे दिन ऑफिसर जो को उसके पिता से आज़ाद करते हैं और लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद वो गनर के साथ उसके घर पर रहने वाली होती हैं। और एमोस गनर्स के लिए उसकी स्टोरी ख़त्म करने के लिए चीज़ें लाता है और वहीं पर गनर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और तब एमोस उसके काम की तारीफ करता है। और फिर गनर उसके पिता से छोटी जिंदगी प्यार के साथ जीना या फिर बड़ी जिंदगी बिना प्यार के जीने में से एक चीज चुनने कहता है। और तब एमोस छोटी सी जिंदगी चुनता है और तब गनर समझ जाता है कि उसे उसके परिवार के साथ ही काफी अच्छा समय पसार करना चाहिए। और रात को वो लोग डिनर करते हैं, जिसमें वहां पर उनके साथ जो भी होती है और चारों काफी ज्यादा खुश भी दिखते हैं। और फिर चारों भगवान से काफी अच्छी जिंदगी के लिए और उन्हें खुश रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म हमें काफ़ी अच्छा मैसेज देती है, जिसमें हमें पता चलता है कि अलग अलग चीज़ों के पीछे समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हमें हमारा समय अपने प्यार करने वालों के साथ बिताना चाहिए और इसी से ही हम हमारे जीवन को सही तरह से जी सकते हैं। जिसमें हमें ये फिल्म गनर के नज़रिए से देखने मिलती है, जो कि एक बच्चा होता है और उसकी इमेजिनेशन भी वही हिसाब से होती है। और इसी के साथ ही हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।